नमस्कार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके बेटे आनंद रावत के बीच एक ऐसा वाद विवाद हुआ जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस बातचीत को देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हरीश रावत काफी परेशान है और उनका ये दर्द अब सबके सामने छलक पड़ा है। दरअसल इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब आनंद रावत ने फेसबुक पर यह लिख दिया कि मेरे पिता मुझे येड़ा समझते हैं। इसके जवाब में हरीश ने लिखा कि मैंने तुम्हें कभी येड़ा नहीं समझा बेटे, समय तुम्हारे साथ न्याय करेगा। हालांकि बाद में आनंद ने इसको लेकर सफाई पेश की कि उनके लिखे येड़ा का मतलब जुनूनी है, ना कि पागल। दरअसल आनंद रावत ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया जिसमें वो लिखते हैं, उत्तराखंड में 72 पॉलिटेक्निक और 48 आईटीआई खुले जो पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। हर साल 20,000 स्किल्ड लड़के और लड़कियां तैयार हो रही हैं। प्रदेश के युवाओं को उनकी क्षमता के अनुसार वेतन नहीं मिलता। सिडकुल में 10,000 से 12,000 रुपए तक वेतन मिलता है। केरल से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर दोगुनी कमाई होती है। विदेशों में जाकर युवा लाखों रुपए कमाते हैं। बस इसी पोस्ट के अंत में उन्होंने लिख दिया कि मेरे पिता ने मुझे येड़ा समझा। इसके जवाब में हरीश रावत ने लिखा, मैंने कभी भी तुम्हें येड़ा नहीं समझा, वक्त ने मजबूरन समझा दिया। मुझे गर्व है कि तुमने नशे से लड़ने के लिए उत्तराखंड के परंपरागत खेलों का प्रचारित प्रसारित किया। तुमने बुनियादी सवाल और हम जैसे लोगों की कमजोरियों पर चोट की है। डटे रहो, बाप ना सही, समय तुम जैसे लोगों के साथ न्याय करेगा। इससे पहले हरीश ने आनंद के एक अन्य पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, तुम्हारा पिता भी वक्त का मारा हुआ है। हालांकि विवाद बढ़ता देख आनंद रावत ने सफाई दे डाली और कह दिया कि झकास के बाद सबसे प्रसिद्ध शब्द येड़ा ही है। उत्तराखंड की राजनीति में ये पहली बार प्रयोग हो रहा है, इसलिए लोगों ने सही मतलब नहीं समझा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। हरीश रावत और उनके बेटे के साथ हुए इस बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।